जय हिंद। का हाल चाल है हो चौवा लोगिन। बाबू जे एसएससी सीजीएल की परीक्षा की उल्टी गिनती की शुरुआत अब हो चुकी है। और अगर आपने जे एसएससी सीजीएल जैसे परीक्षा के पेपर टू में खोटा पेपर को सेलेक्ट किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस सिलेबस को आपने पूरी तरह से कवर कर लिया होगा। लेकिन अब आपकी काम ये बच जाती है कि जे एस एस सी सी जी एल जैसे एग्जाम के पेपर टू में अगर आपने खोटा पेपर को सिलेक्ट किया है तो खोटा पेपर में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। आपके लिए अब ये महत्वपूर्ण बातें बच जाती है, क्योंकि अब आपके जो इंतजार में बैठे हैं, चाहे तो आप अपने माँ बाप के सपने बन करके बैठे हुए हैं, अब अपने माँ बाप के उम्मीद बन करके बैठे हुए हैं, वो माँ बाप आपके ज्ञान के भंडार देखने के लिए नहीं, आपके रिजल्ट देखने के लिए अब उम्मीद के साथ जी रहे हैं। तो अब आपके लिए ये महत्वपूर्ण बातें ये बच जाती है कि आपने सिलेबस को कवर तो कर ही लिया होगा, लेकिन अब आपके लिए ये जरूरी बात ये बच जाती है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। हम ये दावा के साथ कहते हैं कि अगर आपने खोटा सिलेबस को पूरी तरह से अगर कवर कर भी लिया होगा तो जो चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आप कहिएगा हम पूरा सिलेबस पढ़ ले लियो, तब वो ने क्वेश्चन वहां छूटिए गलो। तो क्वेश्चन कहाँ से छूटते हैं बाबू, आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। और द यूनिक क्लासेस के माध्यम से अब आपको बहुत ऐसे यूट्यूब पे कंटेंट दिए जा रहे हैं जो आपको नहीं कहीं पढ़ाए गए होंगे, वो आप द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाया जा रहा है। खोटा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे आपने पूरा सिलेबस को पढ़ लिया होगा लेकिन शायद आपने ये कभी ना पढ़ा होगा कि खोटा का पहला जो कवि थे वो कौन थे। तो उस खोटा के जो पहले कवि थे वो थे राजा दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह जिन्होंने शिव सागर जैसे प्रबंध काव्य की रचना किए, और ये शिव सागर जो है वो 700 पन्ना का था। ये चीजें आपको याद रखनी है कि खोटा का पहला कवि किन है माना जाता है, या खोटा का पहला कवि कौन थे। बाबू अगर ऐसे कह दिया जाए तो खोटा के पहले कवि शायद आप ऑप्शन में रहे तो आपने भुवनेश्वर दत्त शर्मा का व्याकुल का नाम सुना होगा, उनको आप टिक लगा करके आ जाइएगा। या तो अगर आप पढ़े ना रहेंगे तो श्रीनिवास पानुरी जी को आप टिक लगा करके आ जाइएगा। लेकिन आपको ये सारी चीज याद रखनी है। खोटा पहल कहानी का नाम क्या है, खोटा का पहला कहानी का नाम है अपन करनी देवेक दोस, अपन करनी देवेक दोस। और तीसरा नंबर आपका जो यहाँ फैक्ट हम बता रहे हैं, खोटा पहल कविता संग्रह, खोटा का पहला कविता संग्रह है मालक फूल। और ये मालक फूल जो कविता संग्रह किताब है इसे तीन कवि मिल करके लिखे हुए थे और जिसके संपादक श्रीनिवास पानुरी जी थे। हाँ, हम वही श्रीनिवास पानुरी जी की बात कर रहे हैं जिन्हें खोटा का अलग अलग उपाधि दिया गया, जिन्हें खोटा का भीष्म पितामह का उपाधि दिया गया, खोटा का वाल्मीकि का उपाधि दिया गया, खोटा का नागार्जुन का उपाधि दिया गया, खोटा टैगोर का उपाधि दिया गया, जिनका जन्म 1920 ईस्वी में हुआ था। अगर पूरा डेट की बात की जाए तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म धनबाद के बरवाड्डा नामक स्थान पे हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे ही खोटा दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी और माता का नाम दुखनी देवी था। देखिए बाबू, ये पहल नाटक, खोटा का पहला नाटक कौन, तो उद्भासल कर्ण। और ये उद्भासल कर्ण के भी नाटककार, अगर नाटक पूछ रहा है तो नाटक लिखने वाले को नाटककार कहते हैं। तो पहल नाटककार नाटक जो था उद्भासल कर्ण था, और नाटककार श्रीनिवास पानुरी जी थे। श्रीनिवास पानुरी जी के मरने के बाद हालांकि उद्भासल कर्ण जैसे नाटक को उनके बेटा अर्जुन पानुरी के द्वारा प्रकाशित किया गया, इसके पीछे भी कहानी है, हम आपको कई दूसरे वीडियो में बता देंगे। सामाजिक धारक पहल खोटा कवि जो थे, सामाजिक धारा समाज के कुरुतियों से लड़ने वाले वे हमारे खोटा जगत के एक कवि थे जिनका नाम था भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जिस समय कोई जाति के लिए लड़ रहा था, जिस समय लोग गोरे काले के आधार पर लड़ रहे थे, उस समय भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल एक, समझिए बाबू,
ये जाति पाति ना देख करके अंतर जातीय विवाह किए और एक विधवा महिला से भी विवाह किए। और ये गिरिडीह के व्यक्ति थे, गिरिडीह में महथाडी गांव है हो बाबू, वहीं के ये व्यक्ति थे। इनके माता का नाम शांति देवी। होठा का अगर कोई भी होठा का साहित्य की शुरुआत भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल ही किए थे। सबसे पहल खोठा पत्रिका जो था वो मातृभाषा था और जिसके संपादक श्रीनिवास पानुरी जी थे। आए हो बाबू, कोई पूछते हो कि सबसे पहल मासिक खोठा बुलेटिन पत्र कौन हलाय, तो तितकी। और तितकी के संपादक थे विश्वनाथ दसौंधी राज जी। हालांकि तितकी का संपादक 3 व्यक्ति और 3 बार इसे संपादित किया गया, लेकिन पहले संपादक के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले मासिक खोठा बुलेटिन जो पत्र था वो तितकी था और पहले संपादक थे वो विश्वनाथ दसौंधी राज जी थे। सबसे पहले गद्य लेखक कौन थे, कहानी वहानी लिखने वाले लेखक कौन थे बाबू? गद्य या तो हम लोग गद्य के अंतर्गत नाटक भी आता है, कहानी भी आता है, लेख भी आता है, ये कविता वगैरह पद में आ जाता है। तो गद्य सबसे पहले गद्य लिखने वाले थे वो श्रीनिवास पानुरी जी थे। सबसे पहल उथला मतलब अनुवादित काव्य किसने लिखा, कौन था? सबसे पहला अनुवादित जो काव्य था वो मेघदूत था, मेघदूत, और जिसके अनुवादक थे श्रीनिवास पानुरी जी, जिसके अनुवादक जिन्हें अनुवादित किया था मेघदूत बाबू। मेघदूत जैसे इतने बड़े रचना को श्रीनिवास पानुरी जी खोठा में अनुवादित कर दिए थे। तो यही यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले जो अनुवादित काव्य था वो कौन था, वो मेघदूत था। और मेघदूत को अनुवादित करने वाले कौन थे, तो श्रीनिवास पानुरी जी थे। पहल कहानी संग्रह बाबू, पहली कहानी संग्रह जो था वो किताब था जो अभी अप्रकाशित है, वो है रक्ते भिंजल पांखा, जो अभी भी अप्रकाशित है, वो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है बाबू। पहल खांटी कहानी संग्रह जो किताब था वो था फरीच डहर, और जिसके लेखक पंचम महतो थे। पंचम महतो अभी भी हैं। खोठक पहल गद्य पद्य संकलन जो एक किताब आया था और जिस किताब का नाम था खोठा गद्य पद्य संग्रह। पूछते आए हो बाबू कि बताओ खोठा के पहल गद्य पद्य संकलन किताब के नाम की लागे हो, तो खोठा गद्य पद्य संग्रह, और जिसका प्रकाशन बाबू 1989 ईस्वी में हुआ और जिसके प्रधान संपादक डॉक्टर पंचम महतो थे। प्रधान संपादक डॉक्टर पंचम महतो नहीं होगा, यहाँ डॉक्टर ए के झा होगा। नेक्स्ट है खोठा पहल व्याकरण है वो खोठा साहित्य सदानिक व्याकरण है, और ये लिखे हुए थे डॉक्टर ए के झा जी। खोठा पहल कवि सम्मेलन 5 मई 1985 ईस्वी को हुआ, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर ए के झा जी किए थे और जिसके संचालक कर्ता शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी किए थे। खोठा के तीसरे नंबर का स्तंभ अगर किन्हीं को माना जाता है तो शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी को माना जाता है। खोठा के पहले स्तंभ के रूप में श्रीनिवास पानुरी जी को, दूसरे स्तंभ के रूप में डॉक्टर ए के झा जी को, और तीसरे स्तंभ के रूप में शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी को माना जाता है। खोठा पहल कवि जो सम्मेलन हुआ था, पूछता हो भैया कि बताओ बाबू खोठा पहल कवि सम्मेलन कखन भेल हलै, 5 मई 1985 ईस्वी को। खोठक पहल पंजीकृत संस्था कौन था, तो खोठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो। और खोठक पंजीकृत पत्रिका कौन थी, तो लुवाठी थी, और जिसके संपादक गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी थे। आकाशवाणी पहल खोठक लोकगीत गायक कौन था, कन्हैया लाल यादव। ये खोठा से संबंधित ये सारी जानकारी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कि आकाशवाणी रांची पहल खोठा कविता पाठ करवैया कौन थे, मतलब के हलै हो बाबू? नारायण महतो, और ये नारायण महतो धनबाद के थे। नारायण महतो धनबाद के थे।
नेक्स्ट है कि दूरदर्शन ले पहिल खोठा लोकगीत, लोकगीत कौन गाया करते थे तो शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी। शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी एक बड़े अच्छे लेखक तो थे ही थे, कवि तो थे ही थे, वो स्टेज पर गाया भी करते थे। तो इन्होंने सबसे पहले दूरदर्शन ले पहले खोठा लोकगीत जो गाए थे वो शिवनाथ प्रमाणिक मानिक जी थे। और खोठा पहल गीत पहला खोठक भीनु, भीनु मने अलग लिपि जो एक बनाए हुए थे वो दिनेश कुमार दिनमणि जी बनाए थे और 1989 ईस्वी में बनाए हुए थे दिनेश कुमार दिनमणि जी। हालांकि दिनेश कुमार दिनमणि जी कोई खोठा जगत के परिचय के मोहताज नहीं है, ये वो कलाकारों आदमी है, एक चित्रकार आदमी है, प्रोफेसर है, लेखक है, कुट कुट करके भरा हुआ है इनके अंदर टैलेंट बाबू। इनके माता का नाम है फुल्लू देवी और पिता का नाम है महेश्वर महतो। खोठा पहल गीत एल्बम जो है वो है सोना रकम पिया और पहला खोठा एल्बम में पहला गीत है वो है एक मुठा सरगुजा। पहल खोठा एल्बम में पहला गीत है वो है एक मुठा सरगुजा और जिसके लिखवैया हैं ये गीत के लिखवैया हथिन दिनेश कुमार दिनमणि, दिनेश कुमार दिनमणि, दिनमणि इनका उपनाम है। अब बातें ये आती है बाबू, हम आपको पहले ही बताएं कैसे ऐसे क्वेश्चन में पूछता है हो बाबू खोठा पहल कवि के लागथिन हो तो राजा दलेल सिंह और आपको उनके द्वारा रचा गया प्रबंध काव्य के बारे में भी पता होनी चाहिए शिव सागर। ऐसे ही हम आपको ये बताएं शुरू में कि द यूनिक क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस दिए जा रहे हैं और वैसे चीजें जो अब तक आपको नहीं पढ़ाए होंगे, हाँ सिलेबस कवर करा दिया गया होगा, आपको नहीं पढ़ाए गए होंगे, वो आपको फास्ट रिवीजन के तौर पे रोज 7 बजे खोठा की लाइव क्लासेस चल रही है वो मेरे द्वारा चलाई जा रही है और एक क्लास जो है आपका पेपर 3 के लिए इसी चैनल पे चलाया जा रहा है वो पांडे सर के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये क्लास का जो टाइमिंग है वो 9 बजे है, हम आपको खोठा के लिए रोज 7:30 बजे लेकर के आ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा जो ये क्वेश्चन ये आपको हम वीडियो आज दे रहे हैं इससे संबंधित आपके लाइव क्लासेस में क्वेश्चन भी यहीं से रहेंगे, तो ये 7 बजे आना मत भूलिएगा बाबू, क्योंकि अभी आपकी ये पढ़ाई निर्णय करेगी कि आपका रिजल्ट कैसे बनाना है और कैसे आपकी रिजल्ट बनेगी। तो पेपर 2 और पेपर 3 का पूरा इंतजाम हो चुका है, पांडे सर को आप जानते होंगे द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आजकल आ रहे हैं, बड़ा बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, सारे ऑप्शन के साथ चीजों को लेकर के चलते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा उनका भी योगदान रहेगा। बाकी आपकी जो भी प्रतिक्रिया हालांकि एग्जाम देने के बाद आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक सकारात्मक प्रतिक्रिया ही यूनिक क्लासेस के प्रति रहेगी। तो यही थी बाबू आज की पूरी क्लास और हम चीजें यही कह रहे हैं कि पढ़िए वो जो आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि आप अब आपका सपना ही नहीं, अब किसी आप भले पढ़ रहे हो लेकिन अब ये सपना आपके माँ बाप का भी बन चुका है, अब अपने माँ बाप के उम्मीद के रूप में हो तो उम्मीद के रूप में आप खड़े उतरो, बस सिलेबस कवर करना ही आपका दायित्व नहीं बनता है, अगर सिलेबस से अगर ऊपर नीचे भी क्वेश्चन पूछे तो ऐसी पकड़ आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि क्वेश्चन आपका इधर उधर ना जाए। तो यही थी बाबू आज की इन्फॉर्मेशन, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि द यूनिक क्लासेस पे जितने भी कंटेंट दिए जाते हैं वो आपके परीक्षा JSSC और JPSC के लिए काफी उपयोगी होती है। तो ठीक है हो छुआ लोग इन बाबू मिलो ये बाद में हो 7 बजे कल लाइव सेशन में शाम को, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।